देखा था इनका, नाम सुन के तो बड़ा अजीब लगता है कि भाई है क्या ये। शांति से सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा। सबसे पहले रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल, इसको अपन समझते हैं, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसमें दो चीज आती है ना, इसमें दो तरह की डिसकंटिन्यूटी आती है। पहली डिसकंटिन्यूटी आती है मिसिंग पॉइंट और दूसरी आती है आइसोलेटेड पॉइंट, है ना। तो पहले मैं आपको अंग्रेजी में लिखवा देता हूँ, मेरे साथ लिखिए आप। लिखो हेयर लिमिट एफ ऑफ एक्स एट ए एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखो यार कब तक कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन, टाइम लगेगा यार, है ना, काफी टाइम लगेगा। तो हो सकता है जनवरी चला जाए, यू कैन नॉट से, बट इस आइदर नॉट इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए और एफ ऑफ ए ही गड्ढा है, एफ ऑफ ए पर गड्ढा है, मतलब एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो क्या होता है ना कि ऐसे केस में अपन फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं। तो चलो लिखिए, पहले अंग्रेजी लिख लो आप, है ना, समझ में बहुत कम आएगा आपको, लेकिन लिख लीजिए। इन दिस केस इट इज पॉसिबल टू रीडिफाइन, इट इज पॉसिबल टू रीडिफाइन द फंक्शन इन सच अ मैनर दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्सटेंडिंग टू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। विच मेक्स द फंक्शन कंटिन्यूस, विच मेक्स द फंक्शन कंटिन्यूस। कोई बात नहीं, आपका होमवर्क लेट हुआ दी थी। लिखो पहले यहां, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं कृतिका, उनको आप छोड़ दो, और जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं बस वही सॉल्व करो। बिकॉज यू आर रेगुलर इन होमवर्क सॉल्विंग, तो ऑल ऑफ ए सडन क्या हो गया वो अच्छी बात नहीं है। ये लिख लिया अपन ने, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। अभी तो मैंने अंग्रेजी लिखवा दी, बस अपन डिटेल में समझेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहला टाइप ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, देखो नाम सुन के समझ में आ रहा है कि अपन इस फंक्शन में या इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी में डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, तो डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की होती है जिसको अपन रिमूव कर सकते हैं? तो पहली होती है मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। ओके, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एकदम अच्छे समझाता हूँ। देखिए एक फंक्शन है अपने पास, है ना, और फंक्शन कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, और बीच में गड्ढा आ गया। तो क्या हो गया भाई, ये पॉइंट मिसिंग, सीधी सी बात है भाई, ये पॉइंट मिसिंग है। ओके, ये पॉइंट मिसिंग है, तो एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू क्या आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि वहां पे गड्ढा है। अच्छा एक बात बताइए कि ए पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल कर रही है,
क्यों? क्योंकि एक के जस्ट पहले ये वैल्यू है और एक के जस्ट बाद ये वैल्यू, विच आर लगभग लगभग बराबर, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। तो एक के एलएचएस में और एक के आरएचएस में लिमिट की वैल्यूज क्या है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। एंड इफ दे आर ऑलमोस्ट इक्वल तो अपन क्या बोल देंगे कि एलएचएल आरएचएल बराबर, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन उसके बाद भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या बोलते हैं, रिमूवेबल टाइप, है ना। तो ये पॉइंट था, वो पॉइंट यहां से मर चुका है ना, यहां से गायब हो गया, यहां पे गड्ढा आ गया उसकी वजह से। तो अपन क्या करेंगे, इस कंटिन्यूटी को, इस डिसकंटिन्यूटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस गड्ढे को फिल कर देंगे, है ना। अब मैथमेटिकली ये चीज थोड़ा हजम नहीं होता है कि सर गड्ढा फिल कर देंगे, ये क्या बकवास कर रहे हो। अरे फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर देंगे कि गड्ढा फिल हो जाए, समझ में आ रहा है। तो फंक्शन को अपन क्या करेंगे, अलग से डिफाइन कर देंगे, है ना। तो ये एक हो गया रिमूवेबल पॉइंट, सॉरी मिसिंग पॉइंट, रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। आप सिर्फ इतना याद रखो, मिसिंग पॉइंट खत्म, मिसिंग पॉइंट मतलब गड्ढा गायब हो गया, मर गया, मर गया। तो अपन क्या करेंगे, उस गड्ढे को भर देंगे, बस खत्म। मिसिंग पॉइंट से पॉइंट आपका दोबारा आ जाएगा। तो ये एक डिसकंटिन्यूटी होगी। और पॉइंट को भरना मैं आपको आसानी से सिखा सकता हूँ, कैसे भरेंगे पॉइंट को अपन। एफ ऑफ एक्स आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जब एक्स ए है, ए नहीं है सॉरी, और जब एक्स ए है, अगर एक्स ए नहीं है तो फंक्शन कुछ ना कुछ होगा, है ना। तब आप फंक्शन, ये लिखना मत, ये मत लिखना है ना, तब आप फंक्शन को कुछ ना कुछ लिखेंगे यहाँ पे। और जब फंक्शन ए पर वैल्यू डालेंगे अपन फंक्शन का, तो यहाँ पे गड्ढा था तो अपन उस गड्ढे को जबरदस्ती भर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, मान लो ये वैल्यू जो है वो 5 है, तो अपन जबरदस्ती यहाँ पे लिख देंगे कि ए पर वैल्यू 5 आ जाएगी, बस खत्म। तब आपका फंक्शन जो है, लिमिट क्या आ रही थी आपकी 5, है ना, एलएचएल आरएचएल दोनों 5, वो गड्ढे पर या उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आ रही थी, वो भी 5 आ रही थी, है ना। तो डिफाइन कर देंगे अपन, जबरदस्ती ऐसे डिफाइन कर देंगे कि वो गड्ढा फिल हो जाए, है ना। तो इसको अपन कहते हैं रिमूवेबल पॉइंट, रिमूवेबल सॉरी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, बस मिसिंग पॉइंट बोलेंगे। अच्छा, आप कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर गड्ढा क्यों भरेंगे अपन, और गड्ढा भरना आपको बोला जाएगा क्या? नहीं बोला नहीं जाएगा, आपको बस पूछा जाएगा कि ये कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी। तो आप बोलते हैं ना मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और ये रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है, बड़ा आसान है कि आप गड्ढा भर सकते हो, हाँ भर सकते हो, तो ये रिमूवेबल है, खत्म, है ना, अलग से डिफाइन करके। अच्छा, तो इसमें अपना पॉइंट जो है गायब हो जाता है, और आइसोलेटेड अगला वाला है, उसमें क्या होता है, उसमें पॉइंट कहीं और सेटल हो जाता है ना, घर छोड़ के भाग जाता है, कहीं और सेटल हो जाता है। तो इसको कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, कुछ भी एक रैंडम सा ग्राफ बना देता हूँ थोड़ा और सुंदर। ओके, ये ग्राफ बनाया अपन ने। अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए, दिस पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू ए। तो आप मुझे बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ए पर, और अच्छा एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अपन इसको कहीं और सेटल करा देते हैं। तो पॉइंट ए पर वैल्यू है ना ये है, पॉइंट ए पर वैल्यू अपन 5 मान लेते हैं, और इसको मैं बोल देता हूँ कितना, 3, ठीक है। तो बताइए मुझे ए पर लिमिट कितना है, 3 है। क्यों, लिमिट कैसे निकालते हैं, 2500 बार समझा चुका हूँ मैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट है, दोनों 5 आ रही है ना, दोनों 5 आ रही है। तो वीडियो बफर नहीं कर रहा है यार, आदित्य आपको जब इतनी छोटी सी बात बोलनी है ना तो आप टाइप ही कर दो, कुछ डाउट पूछना है तो ही आप वॉइस मैसेज का यूज करें, है ना, वरना तो मैं पढ़ भी पा रहा हूँ ना आराम से, ज़्यादा आसान होगा वो चीज़। और लेक्चर बफर कर रहा है मेरे ख्याल से, तो सही चल रहा है। चलो देखते हैं,
सॉरी, तो ये पॉइंट जो था वो अलग से जाके ऊपर सेटल हो गया है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि एलएचएल आरएचएल बराबर आएगा। अरे देखो ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट एक जस्ट पहले ही आएगी, एक जस्ट बाद ये आएगी, तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना। और दोनों बराबर आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया? दोनों बराबर आ रहा है इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। मतलब तो ये फंक्शन में क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। देखो दोनों केस में, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी है ना, और यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके बाद भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद भी यहाँ पर गड्ढा आ जा रहा है और यहाँ पर पॉइंट कहीं और सेटल कर जा रहा है। तो ए पर एग्जैक्टली ए पर जो वैल्यू आ रही है ना, एग्जैक्टली ए पर जो वैल्यू आ रही है वो लिमिट के बराबर नहीं हो पा रही है। ठीक है, लिखिए इसको भी अपन अलग से डिफाइन कर सकते हैं भाई। ये इसको रिमूव कैसे करेंगे अपन डिसकंटिन्यूटी को? ये ऊपर जो जाके सेटल हो गया है, बुरा मान गया है, उसको अपन बना के नीचे, अबे तू नीचे आ जाए, अलग से डिफाइन कर देंगे ना। तो अलग से डिफाइन कर देंगे तो वो गड्ढा फिल हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। तो ये तो अपन ने फर्स्ट और सेकेंड पढ़ा, ए पार्ट था ना, अब बी पार्ट देखेंगे अपन। नॉन रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब ये वाली डिसकंटिन्यूटी को आप हटा नहीं पाओगे। तो इसमें है ना होगा क्या, सुनो मेरी बात, मैं आपको ना 2 सेकंड में समझा देता हूँ। रिमूवेबल में क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन बीच में गड्ढा आ जाता है, या फिर ये पॉइंट जो है वो रूट के कहीं और चला जाता है ना। जैसे यहाँ पे गड्ढा आ गया था, यहाँ पे पॉइंट कहीं और रूट के चला जाता था। तो यहाँ पे तो दोनों में लिमिट एग्जिस्ट करती थी, बट नॉन रिमूवेबल में क्या होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप इसको फिर डिसकंटिन्यूटी को हटा ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसको अपन अंग्रेजी में लिख देते, फटाफट लिखिए, हियर लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट एक्सटेंडिंग टू ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो इट इज इम्पॉसिबल, सो इट इज इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल टू रीडिफाइन द फंक्शन इन एनी मैनर, इन एनी मैनर टू मेक इट कंटिन्यूअस, टू मेक इट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसमें तीन टाइप होते हैं, बड़े इजी है तीनों। एक है फाइनाइट टाइप, ठीक है, सेकेंड है इनफाइनाइट टाइप। अब देखो लिमिट कितने तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, सॉरी लिमिट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ना, तो लिमिट कितने तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकती है उतने इसके टाइप होंगे। तो एक होगा फाइनाइट टाइप, एक होगा इनफाइनाइट टाइप, और एक और है वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ पहले, फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर होता है ऑसिलेटरी टाइप। तो ऑसिलेटरी टाइप अपन देखेंगे, पहले इसमें फाइनाइट टाइप में लिखिए कि दोनों लिमिट फाइनाइट होगी बट दोनों लिमिट अनइक्वल रहेगी, बोथ लिमिट्स आर फाइनाइट। बट अनइक्वल, ओके। तो इसका ग्राफ मैं आपको बना के देता हूं, देखिए। ये ग्राफ अपन मान लेते हैं ना, तो इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि इस पॉइंट x इज इक्वल टू a पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट है बट बराबर नहीं है, तो इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। और इस डिसकंटिन्यूटी को अपन तोड़ नहीं सकते, मतलब जोड़ नहीं सकते। आप पूरा का पूरा ग्राफ नीचे नहीं ला सकते, आप एक पॉइंट को नीचे ला सकते हो डिफाइन करते वक्त, लेकिन ग्राफ को नीचे नहीं खिसका के ला सकते, क्योंकि ग्राफ नीचे ले आए तो ग्राफ की इक्वेशन बदल जाएगी ना। बट पॉइंट को नीचे लाओ तो आप रीडिफाइन कर सकते हो, तो ग्राफ को आप नीचे ला नहीं सकते, इसलिए दिस इज नॉन रिमूवेबल। ओके,
अच्छा दोनों लिमिट फाइनाइट है ना, यहाँ पे एक क्या बोल रहा है इनफाइनाइट टाइप में, डेफिनेटली एक लिमिट जो होगी वो कम से कम एक लिमिट इन्फिनिटी होगी, तो इसको अपन अंग्रेजी में लिखेंगे तो वन लिमिट इज इन्फिनिटी, या एटलीस्ट हो सकता है कि एक इन्फिनिटी हो एक फाइनाइट हो, एटलीस्ट वन साइडेड लिमिट, वन साइडेड लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, एटलीस्ट वन साइडेड लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका एग्जांपल बताइए सर आप, इसके ग्राफ अगर बनाने हैं आपको तो एक ग्राफ तो अपन ने बनाया ही था, ऐसा ले लो ना, सॉरी ठीक है। तो अगर मैं ए पर बात करता हूं, x इज इक्वल टू ए, तो x इज इक्वल टू ए पर देखिए ना, एक लिमिट प्लस इन्फिनिटी जा रही, दूसरी लिमिट लेफ्ट राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इन्फिनिटी, तो लिमिट एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, नहीं कर रही है, तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट टाइप। इसको आप ना जोड़ नहीं सकते इस ग्राफ को, बिल्कुल भी डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यार जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप इसको कंटिन्यूस बना ही नहीं सकते ना, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई थोड़ा सा डिफरेंट ग्राफ बनाने को कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये ग्राफ बना दिया मैंने थोड़ा सा इस तरह से, और दूसरा ग्राफ अपन ऐसा बना लेते हैं यहां से नीचे की ओर, ठीक है, इसको ऐसे सुला दिया मैंने आगे ले जाके इन्फिनिटी पे। तो देखो ये एक रैंडम ग्राफ है, इसमें पॉइंट x इज इक्वल टू a पर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी, राइट हैंड लिमिट इज लेट अस से 3, RHL तो 3 है, बट एक तरफ की इन्फिनिटी तो एक तरफ की लिमिट तो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो क्या आप इस ग्राफ को जबरदस्ती कंटिन्यूस बना सकते, नहीं बना सकते। अरे आपको कंटिन्यूस बनाने के लिए इस ग्राफ को नीचे लाना पड़ेगा और चिपकाना पड़ेगा यहाँ से, विच इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब आप डिसकंटिन्यूटी नहीं हटा सकते, और नहीं हटा सकते तो ये इरिवर्सिबल हो गया है ना, तो इसको अपन नॉन रिमूवेबल बोलेंगे। और इनफाइनाइट टाइप आराम से सब कुछ बहुत इजी है, इनफाइनाइट टाइप मतलब एक लिमिट इन्फिनिटी या दोनों इन्फिनिटी, और फाइनाइट टाइप मतलब दोनों फाइनाइट है बट नॉट इक्वल। ओके, थर्ड होता है ऑसिलेटरी टाइप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये सिर्फ मैं आपको वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बायोलॉजी में बहुत सारे नाम बता देते हैं उस टाइप के, ना आपको ये एकदम कॉमन सेंस है, कुछ रटना भी नहीं है इसमें, और आपको ये ऑप्शंस में पूछा जाएगा कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस विद ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी, ट्रू और फॉल्स, असर्शन, रीजन, चार ऑप्शन दे देंगे, विच टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी डज दिस फंक्शन फॉलोज एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, पता ही नहीं ऑसिलेटरी टाइप क्या होता है या फिर फाइनाइट टाइप क्या होता है, तो बता ही नहीं पाओगे ना। आप ये जरूर बता दोगे कि हाँ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बट ऑसिलेटरी टाइप है, इनफाइनाइट टाइप है, फाइनाइट टाइप है या फिर रिमूवेबल टाइप है, वो नहीं बता पाओगे आप, ठीक है। ऑसिलेटरी टाइप में क्या होता है कि लिखिए लिमिट ऑसिलेट्स बिटवीन टू फाइनाइट वैल्यूज, ठीक है, लिख डालो पहले इसको, फिर इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल लिखिए, ये फंक्शन साइन ऑफ 1/x है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज डिसकंटिन्यूअस,
क्यों डिसकंटिन्यूस है? व्हाई इज इट डिसकंटिन्यूस? क्यों डिसकंटिन्यूस है? क्योंकि लिमिट अपने को देखो, जीरो पे बात करें ना तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? जीरो पर लिमिट है ना, जीरो पर लिमिट क्या आ रही है, और है ना हिंदी वाला और है, मतलब एंड है ना, और जीरो पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा, तो साइन 1/0 है ना। अब साइन 1/0 तो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 1/0 ही नॉट डिफाइंड है, तो जीरो पे तो अपन बता नहीं सकते। जीरो पे गड्ढा आ रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि नॉट डिफाइंड है ना। अब गड्ढा तो आ गया, लेकिन अगर आपसे पूछता है कि डिसकंटिन्यूस, तो अपने को समझ में आ गया है ना, आपकी घर की काम वाली बाई को भी समझ में आ जाएगा कि ये डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि जीरो पर गड्ढा आ रहा है, जीरो पे गड्ढा आ रहा है, मतलब जीरो पर ऐसा आएगा कुछ है ना, ऐसा कुछ ना कुछ आएगा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा आ जाए, डजंट मतलब इट एक्चुअली डिपेंड्स कि जीरो पर लिमिट कितनी आ रही है। अब लिमिट अगर अपन निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में निकाल लेता हूँ फटाफट। निकालते हैं लिमिट साइन ऑफ 1/x एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो एल एच एल निकाला और आर एच एल निकाला। एल एच एल निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए, साइन 1/h है ना, और आर एच एल साइन 1/-h। जीरो की जगह जीरो माइनस एच रखना है ना, जीरो की जगह जीरो माइनस एच, और यहाँ पे जीरो की जगह जीरो प्लस एच रखना है। ओके तो आप मुझे बताइए कि साइन ऑफ 1/h क्या हो गया, साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी। साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या आएगा पता नहीं अपने, बट ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। साइन ऑफ माइनस इन्फिनिटी विल बी अ वैल्यू बिटवीन माइनस 1 to 1, ठीक है। एग्जैक्टली अपने को नहीं पता साइन माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू, अपने को नहीं पता, अपने को क्या हनुमान जी को भी नहीं पता साइन माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, लेकिन हनुमान जी को भी इतना पता है कि जरूर माइनस 1 से 1 के बीच में होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लिमिट का, बट आपको पता है कि हाँ अंदाजा। तो लिमिट इज ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट मतलब क्या होता है नाचना, तो लिमिट इज डांसिंग बिटवीन माइनस 1 to 1, ठीक है। दिस इज ऑसिलेटिंग बिटवीन माइनस 1 एंड 1, इसको कहते हैं अपन ऑसिलेटरी लिमिट। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी भी क्या होता है नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि इट बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1। तो अब ये भी ऑसिलेट कर रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये और ये बराबर है ना, हो सकता है ये माइनस 1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू दे दे अपने को, कुछ भी वैल्यू दे सकता है ना, हो सकता है माइनस 0.2 दे दे और ये वाला वैल्यू दे रहा होगा 0.9, तो दोनों इक्वल नहीं है ना, देर इज वेरी 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 लेस चांसेस कि दोनों इक्वल होगी। मतलब इम्पॉसिबल है कि दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भी लगा हुआ है ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट का अपने को फाइनाइट वैल्यू नहीं पता, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं पता सर माइनस 1 से 1 के बीच में नाच रहा है, राइट हैंड लिमिट वो भी नहीं पता माइनस 1 से 1 के बीच में नाच रहा है। तो बोथ एल एच एल एंड आर एच एल कैन नॉट बी, नथिंग कैन बी सेड अबाउट एल एच एल एंड आर एच एल, ठीक है। आप क्लेम नहीं कर सकते कि कोई फिक्स नंबर की तरफ ये टेंड कर रहा है। देखिए सिंस एल एच एल एंड आर एच एल वैल्यू इज नॉट यूनिक, And oscillating, therefore limit does not exist. Okay, questions करते हैं अपन, चलिए। लिखे चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस
एट द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, बाकी सब आपको टाइप करने होंगे। तो साइन एक्स अपॉन एक्स ये वाला फंक्शन है, इसकी लिमिट आपको, इसकी कंटिन्यूटी, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी कहाँ पे, x इज इक्वल टू जीरो, एट x इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे चेक करनी। सेकेंड है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। थर्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स, है ना, कहाँ पे चेक करना है आपको, एट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है, वेयर दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स जीआईएफ। ठीक है, तीन क्वेश्चन है आपके सामने, इन तीनों को सॉल्व करना है। पहला वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे देता हूँ, है ना, सबसे डिफिकल्ट वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर ईजी वाले आप कर लेना। तो जीरो पर मैंने चेक करा तो एल एच एल आर एच एल निकालना पड़ेगा, है ना, तो एल एच एल निकाल देते हैं। एल एच एल कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दुनिया में जहाँ जाए एक्स से वहाँ वहाँ माइनस एच रख दो, तो साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच कितना होता है वन, और आर एच एल देखेंगे अगर अपन तो साइन प्लस एच अपॉन एच कितना आ जाएगा वन, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बिल्कुल, लेकिन लिमिट के एग्जिस्ट करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करे और लिमिट का वैल्यू फंक्शन के, सॉरी लिमिट का जो भी आंसर आ रहा है वन, है ना, वो एफ ऑफ जीरो के बराबर आना चाहिए। तो फंक्शन का वैल्यू जीरो पर कितना आ रहा है, साइन जीरो अपॉन जीरो, तो साइन जीरो अपॉन जीरो क्या है, नॉट डिफाइंड, है ना, साइन जीरो अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो अपन क्या बोल देंगे फर्स्ट वाले में, लिमिट एग्जिस्ट बट एफ ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस, check that continuity and type of discontinuity। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है वो आपको बताना है टाइप करके। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अब रिमूवेबल में भी कौन सी हो सकती है, दो हो सकती है, या तो पॉइंट मर गया हो या तो पॉइंट कहीं आइसोलेट हो गया हो, घर छोड़ के भाग गया हो। तो आप देखेंगे कि उस पॉइंट पर जीरो के अगल बगल वैल्यू सेम है, जीरो पे गड्ढा है और गड्ढे का वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, तो इसका मतलब ये मिसिंग पॉइंट है, तो दिस इज अ मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो आप लिखिए देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस मिसिंग पॉइंट। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, लेकिन आपको सेकंड और थर्ड सॉल्व करना है, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड, सॉल्व कीजिए। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं अपन। सेकंड वाले में क्या करना है आपको, लिमिट निकालना है। देखो यार, मैंने आपको पूरा ग्राफ अच्छे से समझा दिया, लिमिट का एग्जिस्ट करना ये नहीं दर्शाता है कि ग्राफ कंटिन्यूस होगा, लिमिट एग्जिस्ट ऐसे भी कर सकती है। लिमिट मतलब क्या होता है, उस पॉइंट के अगल बगल वाली वैल्यू सेम, लेकिन एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही वो भी लिमिट के बराबर आनी चाहिए, तभी तो गड्ढा फिल होगा, है ना। बस इतनी सी बात है, आपको हर क्वेश्चन में लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, थ्री के अगल बगल वैल्यू देख लेता हूँ, तो एफ ऑफ थ्री माइनस, है ना, ये लिमिट एक मिनट रुकिए ना,
limit f of x for x tending to 3 minus. तो 3 माइनस क्या हो गया, दुनिया में जहां जहां x है वहां पर क्या रख दो, 3 माइनस h. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3. दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, 3 माइनस h. तो 3 माइनस h माइनस 3, 3 माइनस h प्लस 3 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3. ठीक है, ये 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ से 3 और 3 कट जाएगा, ऊपर माइनस h नीचे माइनस h ये भी कट जाएगा. तो क्या बचेगा अपने पास, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस h, 6 माइनस h. लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0, h को 0 रखो तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 6. राइट हैंड लिमिट अगर आपने को निकालना है, ये आ गया आपका LHL. ठीक है, और राइट हैंड लिमिट अगर आपने को निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, लिमिट एफ एक्स x टेंडिंग टू 3 प्लस. तो दुनिया में जहां जहां 3 है वहां वहां क्या रखना है अपने को, 3 प्लस h. तो ये देखिए x की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस h. तो 3 प्लस h माइनस 3, यहाँ पे भी क्या रखेंगे, 3 प्लस h प्लस 3, यहाँ पे रखेंगे 3 प्लस h माइनस 3. ये 3 और 3 कट जाएगा, और ये 3 और ये 3 भी कट जाएगा, तो h इंटू 6 प्लस h डिवाइडेड बाय h, h और h कट जाएगा, तो 6 प्लस h, 6 प्लस h आंसर आ गया. तो भी आंसर क्या आ गया अपना, 6 आ गया, है ना. तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 के अगल बगल देखते हैं अपन, है ना, ग्राफ को थोड़ा सा, मैं कुछ भी ग्राफ बना दो यार, क्या जा रहा है आपको, ग्राफ बस इतना समझ में आना चाहिए कि दिखाना क्या चाह रहा है. ठीक है, तो ग्राफ अपना ऐसा बनेगा कि 3 पर, 3 पर देखते गड्ढा फिल होता है कि नहीं. लेफ्ट हैंड लिमिट कितना 6, राइट हैंड लिमिट कितना 6, अरे दोनों बराबर. काश 3 पर वैल्यू भी 6 हो जाए तो मजा आ जाएगा. अपन क्वेश्चन की तरफ गए गए गए, 3 पर वैल्यू 3, ओ हो, 3 पर वैल्यू क्या है, 3, मतलब 3 पर एक्चुअली आइसोलेटेड पॉइंट है ना, ये 3 पर वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है, और अपना लिमिट जो है वो 6 आ रहा था, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया ना. तो आप इसको ढंग से लिख दो आप, है ना, कितना डिसकंटिन्यूस हो जाएगी. ओके, कौन सा डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, आइसोलेटेड. अच्छा, आइसोलेटेड पॉइंट को अपन रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते, तो ये रिमूवेबल टाइप आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी होगी. रिमूव करना है अगर आपको, ठीक है, जैसे एक लड़का लास्ट ईयर पूछ लिया था कि सर कैसे रिमूव करेंगे, तो मैंने कहा कि यहां पर क्या वैल्यू आ रही, 3, इस गड्ढे को ऊपर भेज दो, है ना, गड्ढे को ऊपर भेज दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. तो उसने बोला कि सर नहीं समझ में आया. मैंने कहा कि अरे यहाँ पे 6 लिख दो 3 की जगह, यहाँ क्या लिखा था, 3 लिखा था ना, तो क्वेश्चन को आप चेंज करके 6 लिख दो. तो आप इसको कंटिन्यूस बना सकते हैं क्वेश्चन को चेंज करके. क्वेश्चन में अपन ने सिर्फ फंक्शन का डेफिनेशन चेंज करा है, ठीक है, 3 पर जो चीज क्वेश्चन वाले ने डिफाइन करी है वो 3 की जगह अगर 6 होती, 3 की जगह अगर 6 होती तो कंटिन्यूस होता. तो मतलब आप इसको कंटिन्यूस बना सकते थे अगर आप 3 की जगह 6 देते तो, है ना, इसलिए अपन इसको कहते हैं रिमूवेबल टाइप. और आइसोलेटेड तो देख के ही समझ में आता है ना, आंख के अंधे को भी देख के समझ में आ जाएगा कि ये आइसोलेटेड टाइप है. कोई दिक्कत जा रही है आपको नाम पढ़ने में समझने में, चलिए ये वाला थर्ड वाला आप लोग करो. मैंने आपको बता दिया लिमिट नहीं आता है तो कंटिन्यूटी में एकदम आप देखते ही रह जाओगे तमाशा, ठीक है. बट ठीक है, आप लोगों ने काफी मेहनत करी लिमिट चैप्टर में. ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं अपन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. इसका सॉल्यूशन जो है मैं अलग इंक से लिखता हूँ, ग्रीन से लिखते हैं. देखिए क्या लिखा, x माइनस x का gif. ठीक है, तो मान लो x की जगह मैं इंटीजर डालता हूं, इंटीजर कोई भी, जो इंटीजर आपके मन में आ रहा बोलो, 2, चले 2, 2 का gif 2, और 2 इन 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 का gif भी 2, माइनस 2 का gif भी 2 आएगा.
ठीक है, अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर का तो इंटीजर का तो इंटीजर ही आता है ना, वही इंटीजर इटसेल्फ, तो ये आ गया जी, मतलब जीरो आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एक्स इंटीजर है तो फंक्शन जीरो हो जाएगा। कोई भी इंटीजर डाल दो, यहाँ थ्री डाल दो, थ्री माइनस थ्री का जी आई एफ कितना आएगा, वही का वही आ जाएगा। फोर डाल दो, फोर माइनस फोर, या माइनस फोर डाल दो, माइनस फोर का जी आई एफ माइनस फोर, माइनस माइनस फोर कितना प्लस फोर, प्लस फोर का जी आई एफ फोर, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते, इंटीजर प्लस समथिंग डालते है ना, मान लो मैंने टू प्लस एच डाला और यहाँ पे भी टू प्लस एच डाला, लेकिन बाहर माइनस है ना, तो अफसोस है वो माइनस टू माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, टू प्लस एच है ना, अब कुछ बच्चे एकदम एकदम रोने लग जाएंगे, बताओ ये माइनस टू पॉइंट थ्री का जी आई एफ अगर आप नहीं बता पा रहे हो आज की तारीख में तो शर्म आनी चाहिए आपको। माइनस टू पॉइंट थ्री का जी आई एफ क्या आएगा, माइनस टू आएगा या माइनस थ्री आएगा? चलो मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए, पहले ये बता दो टू पॉइंट थ्री का जी आई एफ टू आएगा, इसमें तो डाउट नहीं है ना, ये इसमें डाउट है तो फिर तो कुछ ज्यादा ही शर्म आनी चाहिए, लेकिन इसमें भी कुछ कम नहीं है ना। माइनस टू पॉइंट थ्री आपको क्या करना है, नंबर लाइन इमेजिन करके लेफ्ट मोस्ट वाला नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना है, तो 2.3 के लेफ्ट मोस्ट में क्या है 2, और माइनस 2.3 के लेफ्ट मोस्ट में क्या है माइनस 3, है ना, बहुत बढ़िया है ना, आप लोग काफी समझदार हो। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 प्लस एच का आंसर 2, ध्यान से ना, और इसका आंसर कितना माइनस 3, तो आंसर कितना आ गया माइनस 1। क्या हमेशा माइनस 1 आएगा, बिल्कुल, आप कुछ भी देख लो, कोई भी इंटीजर डाल दो आपका आंसर माइनस 1 ही आएगा, कोई भी इंटीजर प्लस एच डाल दो, मान लो आपने यहाँ पर नीचे इधर लिख रहा हूँ ना, इधर मान लो यहाँ पे आपने 5 प्लस एच डाला, तो 5 प्लस एच प्लस नेगेटिव ऑफ 5 प्लस एच, इसका जी आई एफ 5, इसका जी आई एफ माइनस 6, तो आंसर माइनस 1, आंसर हमेशा माइनस 1 आएगा अगर आप इंटीजर माइनस डालते हो, मतलब इंटीजर माइनस एच, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या डाल दो, देखो इधर 5 माइनस एच डाल दिया प्लस नेगेटिव ऑफ 5 माइनस एच कितना हो जाएगा माइनस 5 प्लस एच। ठीक है, अच्छा माइनस 5 प्लस एच को अगर आप नंबर लाइन पे लोकेट करोगे, ये रहा माइनस 5, माइनस 5 प्लस एच इधर आएगा राइट पे या लेफ्ट पे आएगा, बिल्कुल राइट पे आएगा ना, माइनस 5 प्लस एच प्लस कर रहे हो ना भाई, तो राइट में जा रहे हो, तो यहाँ पर मिलेंगे अपन, तो माइनस 5 प्लस एच ये वाला नंबर है, इस वाले नंबर का जी आई एफ निकालोगे तो नियरेस्ट इंटीजर ऑन द लेफ्ट साइड इज माइनस 5, ये माइनस 5 है, और 5 माइनस एच, 5 माइनस एच मतलब 4 पॉइंट समथिंग, 4.999, तो 4.999 का जी आई एफ 4। अच्छा तो 4 माइनस 5 कितना आ गया माइनस 1, तो ये भी माइनस 1 आएगा, तो आई माइनस कर देंगे अपन, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को अब एक चीज समझ में आ रहा है, मैं इस फंक्शन को अलग तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स दो वैल्यूज लेगा, या तो 0 हो जाएगा, 0 कब होगा जब एक्स इंटीजर हो, 0 व्हेन एक्स बिलोंगिंग, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और माइनस 1 होगा या तो कब जब एक्स इंटीजर ना हो, इंटीजर प्लस इंटीजर माइनस मतलब क्या हो गया, इंटीजर ना होगा तो हमेशा माइनस 1, तो व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर तब ये माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या, फड़फड़ाहट हो रही है, नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ अगर मैं आपको बोलूंगा ना तो आप आराम से बना लो, तो देखिए मैं क्या कहता हूँ 0, 1, 2, 3 -1 -2 -3 ग्राफ बनाना है, तो देखो बड़ा आसान है ग्राफ बनाना, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे आंसर -1, तो ये एक्स एक्सिस बना दी और ये मैंने वाई एक्सिस बना दी, ये रही वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ध्यान से देखिएगा आपने जब इंटीजर डाला तो आंसर 0, इंटीजर नहीं डाला तो आंसर -1, तो मान लो आपने 0 डाला है ना, ग्राफ में येलो से बनाता हूं, 0 पे आंसर 0, तो 0 पे ये आएगा आंसर, 0 के अलावा थोड़ा सा आगे गए तो आंसर -1, फिर एग्जैक्ट 1 पे पहुंचे तो यहां पे गड्ढा और 1 पे आंसर 0। अरे भाई इंटीजर पे आंसर 0 और नॉन इंटीजर पे आंसर -1, तो ये बीच वाले जो पॉइंट है ना वो नॉन इंटीग्रल है, और इंटीग्रल पे तो 0 आएगा तो इंटीजर पे ही नीचे चला जाएगा, ठीक है 2 पर भी ये नीचे चला जाएगा 0, 2 डाला आपने तो 0 हो गया, फिर 2.1 डाला तो -1, 2.999999 डाला तो भी -1, जैसे ही 3 डाला तो फिर से 0, बस अब अपन गधे नहीं है, अपन समझ गए कि ये ग्राफ आपका इसी फैशन में कंटिन्यू होगा। ठीक है,
सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, है ना। अब ग्राफ मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं थोड़ा स्टाइल मार रहा हूँ कि ग्राफ अपन बना सकते हैं, है ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x का। अब आपको अगर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी बना, ये ग्राफ ऐसे ही चलता जाएगा ना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड नेवर एंडिंग ग्राफ है। अगर आपको इसका डिसकंटिन्यूटी बताना है किस टाइप का है, डिसकंटिन्यूस है इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है कि डिसकंटिन्यूस नहीं कंटिन्यूस है तो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस है। किस टाइप का डिसकंटिन्यूस है? आइसोलेटेड, है ना, आइसोलेटेड पॉइंट। रिमूवेबल होती है, नॉन रिमूवेबल होती है? हाँ, रिमूवेबल होती है। तो दिस इज रिमूवेबल, लिखिए दिस इज आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 बाय एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है आपको, जीरो पे चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। तो सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे अपन, कहां पर, एक्सटेंडिंग टू जीरो पर, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। तो एलएचएल आरएचएल से करना पड़ेगा क्या? हो सकता है एलएचएल आरएचएल से करना पड़े, तो मैं LHL निकाल देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टैन इनवर्स, x की जगह क्या रख दो आप, जीरो प्लस h, तो वन अपॉन h, मतलब क्या आ गया, टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। टैन इनवर्स इन्फिनिटी आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, आप आईने में जाइए, अपने आपको एक चाटा मारिए, फिर वापस आके पढ़ने बैठिए। इन्फिनिटी पर पाई बाई टू होता है, tan inverse infinity is pi by 2। ग्राफ बना के बता दिया मैंने, फिर से देख लो, ग्राफ देखना हो तो infinity पर pi by 2, ठीक है? Okay। RHL निकालते हैं, limit extending to infinity tan inverse 1 upon minus h, कितना हो जाएगा, tan inverse of minus infinity, tan inverse minus infinity कितना होता है, minus pi by 2, नहीं पता, फिर से मैं तो 10 बार ग्राफ बना दूंगा, मेरे को तो ग्राफ रटे हुए, देखो ये बना दिया अपन ने ग्राफ, हाँ भाई माइनस इन्फिनिटी पर आंसर ये आंसर मतलब माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये तो लिमिट हो गया, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो तुरंत बोल दो डिसकंटिन्यूस, लेकिन हमको वो भी चेक करना पड़ता है ना क्या। क्या चेक करना पड़ता है, फंक्शन का वैल्यू जीरो पर, तो एफ ऑफ जीरो मतलब क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ वन अपॉन एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो पर क्या वैल्यू आ रही है, वो टैन इनवर्स नॉट डिफाइंड है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का टैन इनवर्स भी नॉट डिफाइंड होगा ना, इसको ये वन बाय जीरो को इन्फिनिटी मत बोल देना, ये एग्जैक्ट जीरो ही नहीं चाहिए, एग्जैक्ट जीरो का अलग ही इंपॉर्टेंस होता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो देखेंगे अपन क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो ये रिमूवेबल तो नहीं है, ये नॉन रिमूवेबल है, लिमिट इक्वल नहीं है तो नॉन रिमूवेबल है, तो नॉन रिमूवेबल और कौन सी है, ये फाइनाइट टाइप है या फिर इनफाइनाइट टाइप है, फाइनाइट है, देखिए ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट है, बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, फाइनाइट टाइप, नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप,
डिसकंटिन्यूटी कुछ भी रटना तो नहीं पड़ रहा ना आपको, ठीक है? समझ लो अच्छे से, स्कूल के बच्चे इसको पूरा रट लेते कि हाँ ये क्वेश्चन में फाइनाइट लिख देंगे, इसमें वो कर देंगे। भाई बहुत इजी है आप अगर लॉजिकली सोचो तो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, एट एक्स इज इक्वल टू वन। चेक करें इसको अपन, चलिए ऊपर वाला पहले छाप लो और नीचे वाले को सॉल्व करो, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे अपने ना। हाँ ये इसको आप है ना, मैंने उल्टा कर दिया, इसको आर एच एल बोल दो, इसको एल एच एल कह दो ना। सानिका इज राइट, थोड़ा उल्टा हो गया, ये जीरो प्लस एच हो गया ना, जीरो प्लस कर दो, ये जीरो माइनस कर दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी ठीक है सब कुछ। बाकी आपका आंसर चेंज नहीं होगा सर, हमारे कंटिन्यूटी में एल एच एल आर एच एल से काम बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। और क्या लिखा है कंटिन्यूटी तुम्हारी, मतलब बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, नहीं होगा भाई, बोर्ड इतना भी आसान नहीं होता है, प्रॉपर्टीज लगती है उसमें भी। इतने ही आसान होते तो हर बच्चे के 12वीं में 100 आते भाई, ठीक है? जबकि जिसके 10th में भी 100 आते ना, तो उसके 12th में दिक्कत हो जाती है 100 आने में, तो 12th का सिलेबस बहुत वास्ट है। खैर मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, स्टेट बोर्ड में भी थोड़ा तो अपने स्टेट बोर्ड में इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है। चलिए इसको चेक करते हैं, आपने सॉल्व कर ही लिया होगा, मैं सॉल्व करता हूँ उसको। देखिए क्या करेंगे, पहले अपन लिमिट निकालेंगे एक्सटेंडिंग टू वन पे, किसका? फंक्शन का, ये फंक्शन है, इसका लिमिट निकालना है आपको। तो वन प्लस वन माइनस कर दो, वन डालो ऊपर, वन अपॉन वन माइनस वन जीरो। ओ ये तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं पहली बात, तो मैं एक्स इज इक्वल टू वन माइनस, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस और एक्स इज इक्वल टू वन, ये तीनों पर वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो वन माइनस डाल दो, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां वन माइनस एच, वन माइनस एच अपॉन माइनस एच माइनस इन्फिनिटी, वन पर वैल्यू क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, ओके। और वन प्लस पर क्या आ जाएगा? वन प्लस एच अपॉन वन माइनस वन प्लस एच, ये भी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। वन माइनस एच था ना उधर, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इन्फिनाइट, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है मतलब नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल, फाइनाइट या इन्फाइनाइट? इन्फाइनाइट टाइप, डिसकंटिन्यूटी, ओके। इजी है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, नाम लिखना आना चाहिए भाई, नाम लिखना नहीं आएगा तो कर ही नहीं पाओगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट निकालना आना चाहिए, नो डाउट। तो एफ ऑफ एक्स टू टू द पावर टेन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू डालो, टेन पाई बाई टू कितना होगा? नॉट डिफाइंड, ओहो। तो एफ ऑफ पाई बाई टू मेरे को क्या करना होता है, देखिए उस पॉइंट के जस्ट पहले, उस पॉइंट के जस्ट बाद और एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या वैल्यू आ रही है, तीनों निकालना होता है, और तीनों वैल्यू बराबर आ जाए तो मजा आ जाता है, है ना? तो टू की पावर टू की पावर टेन पाई बाई टू प्लस एच, ठीक है? टेन पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा और टू टाइम्स टेन, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां पाई बाई टू माइनस एच, तो टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा, कॉट एच। अच्छा,
कॉट ऑफ एच कितना हो जाएगा सोचो जरा, कॉट जीरो, कॉट जीरो मतलब कॉस जीरो बाय साइन जीरो, कॉस जीरो बाय साइन जीरो मतलब नीचे जीरो आ गया तो ऊपर इन्फिनिटी आ जाएगा, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा टू की पावर प्लस इन्फिनिटी, टू की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा वन अपॉन टू की पावर इन्फिनिटी, मतलब वन अपॉन बहुत बड़ा नंबर मतलब जीरो, और ये खुद बहुत बड़ा नंबर है मतलब इन्फिनिटी। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, नहीं कर रही है ना। अच्छा ये चीज़ तो नॉट डिफाइंड है क्योंकि एग्जैक्ट पाई बाई टू पर टेन नॉट डिफाइंड होता है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो नॉन रिमूवेबल। लिमिट किस तरह से, एक फाइनाइट है एक इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट एक भी आ गया तो खत्म, इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना है आपको, जीरो पर चेक करना है ना, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस, और एक्स इज इक्वल टू एग्जैक्ट जीरो, और एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस, इन तीनों पर आपको चेक करना है। तो जीरो माइनस पर अगर आप देखेंगे तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रखना है आपको, जीरो माइनस एच, तो साइन इनवर्स माइनस एच, और यहाँ पे फिर रख देंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो तो साइन इनवर्स जीरो, और इधर रख देंगे जीरो प्लस एच तो साइन इनवर्स जीरो प्लस एच, साइन इनवर्स माइनस एच कितना हो जाएगा जीरो। अरे साइन इनवर्स जीरो ही हो गया ना, तो जीरो साइन इनवर्स जीरो इज जीरो, साइन इनवर्स एच मतलब ऑलमोस्ट जीरो। साइन इनवर्स का ग्राफ देख लो यार, तुरंत रोने लग जाते हो, जीरो से जस्ट आगे जाएंगे तो जीरो, जीरो से जस्ट पीछे जाएंगे तो भी जीरो है ना, तो ये आ गया। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो कंटिन्यूस होगा, पता नहीं सर तीनों चीजें बराबर है, हाँ तो डेफिनेटली कंटिन्यूस है ना, क्योंकि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो, तीनों चीजें जीरो के बराबर है मतलब फाइनाइट है ना, तीनों चीजें इनफाइनाइट होती तो भी अपन इसको डिसकंटिन्यूस बोलते, बट अभी कंटिन्यूस है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन। ओके ये वाला तो अपन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है ना, ये वाला क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। इसकी चेक करनी कंटिन्यूटी एट एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, फिर अपन जनरल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपका चैप्टर जो है जल्द से जल्द खत्म हो जाए वाला, और आपको यूट्यूब पे वीडियो आज से मिलना चालू हो जाएंगे, कल वाला अपलोड हुआ नहीं था, कुछ बच्चे मेरे बोल रहे थे मेल पे। Extending to x belonging to integer, तो चेक करो आप है ना इंटीजर पर क्या हो रहा है इसमें, ये क्या है फ्रैक्शन पार्ट, ये लिख रहा हूँ दिस इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x।
देखो भाई ध्यान से, बहुत इजी है। फ्रैक्शनल पार्ट आता है तो चलो थोड़ा चेक कर लेते हैं, भी लाइव क्लास में होते हो अपन, मतलब ऑफलाइन क्लास में होते तो मजा आ जाता है। देखिए भाई आपको फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए। 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? 0.3 है ना। 1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.9। समझ में आ रहा है? -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? -1.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 1 -0.9। नेगेटिव में क्या करते हैं अपन, जो एक्चुअल आ रहा होता है अपना आंसर, पहले उसमें 1 से माइनस कर दो तो 0.1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको बस। अच्छा ये बताइए, -1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? 0 है ना। और 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा? वो भी 0। क्यों? क्योंकि 1.0 लिखा है ना, -1.0 लिखा है, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आता है? 0 आता है। तो अगर x इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट 0, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट भी 0। अरे भाई 5 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 आएगा, -5 का भी 0 आएगा, 0 + 0 = 0। तो ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। यहाँ पे देखते हैं, अगर x इंटीजर नहीं है तो, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, है ना। तो देखिए भाई मैंने आपको क्या सिखाया है, थोड़ा सा उसको मैं अलग तरीके से बताता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इंटीजर नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा सोचते हैं। मान लो ये कितना है? 6.3। तो इसका आंसर कितना रहा? 0.3। अच्छा, तो सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? 0.3 कैसे आया होगा? डेफिनेटली 6.3 माइनस 0.3 से, सॉरी 6.3 माइनस 6 से। अच्छा व्हाट वाज 6.3 बच्चों? द नंबर इटसेल्फ, है ना। व्हाट वाज 6? उस नंबर का जीआईएफ, तो x माइनस उसका ब्रैकेट। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रैक्शनल x क्या होता है? x माइनस उसका ब्रैकेट। और दूसरा वाला जो है फ्रैक्शन ऑफ माइनस एक्स, ये क्या होगा? ये होगा नंबर माइनस उसका ब्रैकेट। सीधी सी बात है भाई। अच्छा, ठीक है। तो नंबर माइनस कोई नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट अपने को अगर देखना है ना, तो वो कैसे लिखेंगे? रफ में आ जाइए, मान लीजिए माइनस ऑफ 5.1 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? -6 होगा या -5 होगा? -6 होगा ना। अभी भी आपको डाउट है तो फिर चमत्कार ही बचा सकता है आपको। आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, इस नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में जाना है आपको। नंबर लाइन में अगर आप -5 को इमेजिन कर रहे हो तो -5.1 यहाँ पर होगा और -6 यहाँ पे होगा। तो इस नंबर के लेफ्ट मोस्ट में कौन सा इंटीजर है? -6 है ना। अच्छा तो -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिख दूंगा मैं इसको? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज, उस नंबर का जैसे -1 था ना, ये -5 मान लो, -5.1, तो उस नंबर का पॉजिटिव वाला नंबर का जीआईएफ एक मिनट, -5 -GIF, ओके, तो -5.1 का जीआईएफ कितना आएगा? -5 -1 -6, ओके। तो यू कैन राइट दिस थिंग। ये समझ में नहीं आई होगी, है ना। रुक जा जरा, मैं बता रहा हूँ। रखो यहाँ पे कुछ भी नंबर, -6.3 रखो, इसका जीआईएफ किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ 6.3 का जीआईएफ कितना था? 6 बाहर नेगेटिव और -1 -7, आना भी -7 चाहिए था, है ना। तो वही चीज मैंने क्या करा है कि ये फॉर्मूला याद नहीं था तो अपन उसको हल्के हल्के ड्राइव कर दिया। तो नेगेटिव नंबर का जीआईएफ क्या होता है? ये, तो यहाँ पे पुट कर दो -(x - 1), तो -(x - -)+(x - -)+1, ओके। अब दोनों को जोड़ दो,
फ्रैक्शन एक्स और नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन, नेगेटिव ऑफ एक्स का फ्रैक्शन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस माइनस एक्स। ये पूरा छाप रहा हूं मैं ऊपर से ना, जो गोला मारा है मैंने इसको इसको छाप रहा है अपने, बस दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, ये और ये गया, ये और ये गया, आंसर क्या आया, 1। ओ हो, ये तो सर आप डायरेक्टली भी बता सकते थे, इतना सब क्यों किया डायरेक्टली। कैसे देखो है ना, कुछ चालाक बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, और उनकी चालाकी को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। देखिए यहाँ पे आप डाल दीजिए 2.2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2.2 है ना। तो 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0.2, और -2.2 का GIF कितना आ जाएगा, 0.8। सम कितना आ गया, डायरेक्टली 1 लिख सकते थे, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मैं आपको एडवाइस भी यही करूंगा कि एग्जाम में अगर आपको डिफाइन करना हो तो ऐसे ही डिफाइन करो, नंबर्स डाल डाल के फटाफट डिफाइन होता है। ठीक है, तो अपना ग्राफ बन जाएगा इसका आराम से, देखो ना इंटीजर पे 0 और बाकी जगह 1, तो एकदम वैसे ही इंटीजर पर, सारे इंटीजर पर ये 0 हो जाएगा और बाकी जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके लिख डालो इसको, तो कौन सी डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग आइसोलेटेड पॉइंट है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे मॉड्यूल में, अभी आपकी हालत खराब हो जाएगी ना, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट मॉड्यूल्स। तो मेरे साथ पैरेलली मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। मेरे करवाने के बाद 40 क्वेश्चन करवा दिया आपको सर ने, और फिर उसके बाद आप मॉड्यूल निकाल के बैठे हो, फर्स्ट क्वेश्चन आज करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आज करता हूँ, अभी तक मैं बिजी था पबजी खेलने में या COD खेलने में या जो भी, बाद में कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा कभी। आज बताया आज ही कंप्लीट करना, चाहे रात भर जागना क्यों ना पड़ जाए। ठीक है, आज का होमवर्क मिस हो गया तो वो कभी नहीं कर पाओगे आप, कभी भी नहीं, समझ में आ रहा है ना, कभी नहीं कर पाओगे। चलिए अभी क्लास खत्म नहीं हुई है ना, होमवर्क की बात करता हूँ, कुछ बच्चे सोचते हैं कि बढ़िया क्लास खत्म, लिखते आगे लिखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम। सिग्नम फंक्शन याद है, मैं तो नहीं पूछ रहा भाई, मेरे को आप लोगों से बहुत डर लगता है, आप लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। चुल्लू भर का फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, पॉजिटिव डाला तो 1, 0 डाला तो 0, नेगेटिव डाला तो -1, पता हूँ, बट ठीक है ना, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भाई मैं सिखा देता हूँ फिर से। पॉजिटिव नंबर डाला अगर है ना, जैसे सिग्नम ऑफ 25 कितना आएगा, 1, सिग्नम ऑफ -2500 कितना आएगा, -1, और सिग्नम ऑफ 0 कितना आएगा, 0, मतलब पॉजिटिव नंबर का सिग्नम 1, नेगेटिव का -1 और 0 का 0। To discuss the continuity of f of x is equal to signum of x minus 1. तो मतलब क्या हो गया कि signum का argument positive हुआ तो answer 1, negative हुआ तो answer -1, और signum का argument 0 हुआ तो answer 0। मतलब अपने को क्या करना है, signum के argument को ही check करना है। ठीक है, तो in signum function just check the argument, ओके okay? हाँ जल्दी अपलोड कर दूंगा मैं, डोंट वरी, क्लास के तुरंत बाद अपलोड कर दूंगा ना। तो जस्ट चेक द आर्ग्यूमेंट ऑफ सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम का आर्ग्यूमेंट क्या है, साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, मैं बिल्कुल भी यहां पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मैं। सिग्नम ऑफ सॉरी आर्ग्यूमेंट क्या है, साइन ऑफ एक्स माइनस 1। तो बस आपको ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा, और ये जीरो कब होगा, सिर्फ ये चेक करना है, काम हो गया अपना। ठीक है, तो देखते फटाफट है ना, तीनों चीजें मैं चेक करता हूँ। दिस इज द आर्ग्यूमेंट, तो सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 1 पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर दैन 0 कब होगा, सिग्नम नहीं सॉरी साइन एक्स माइनस 1 जीरो कब होगा, और साइन एक्स माइनस 1 नेगेटिव कब होगा। जिन एक्स के लिए ये पॉजिटिव होगा उन एक्स के लिए सिग्नम क्या देगा, 1 देगा।
उड़ गया ऊपर से। भाई साहब जिन एक्स के लिए साइन एक्स माइनस वन पॉजिटिव होगा है ना, तो साइन एक्स माइनस वन पॉजिटिव हुआ तो साइन एक्स माइनस वन किसका आर्ग्यूमेंट है, सिग्नम का। सिग्नम का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो जाएगा तो सिग्नम आंसर क्या देगा, वन। तो यहाँ पर जो भी एक्स आएंगे वहां पर सिग्नम का आंसर वन आएगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, साइन एक्स ग्रेटर देन वन, साइन एक्स वन से बड़ा है। अच्छा, साइन एक्स वन से बड़ा हो सकता है क्या? सपने में भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि साइन की औकात कितनी होती है, माइनस वन से वन। वन से आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। तो साइन एक्स ग्रेटर देन वन का भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो एक्स बिलोंगिंग टू कद्दू आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एक्स बिलोंगिंग टू नल सेट फाइव। आगे देखते हैं, साइन एक्स इक्वल टू जीरो। साइन एक्स जीरो हो सकता है कि हाँ, कितने बार? करोड़ों बार, लाखों बार, बहुत बार। तो एक्स जीरो कब होता है, साइन एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स एन पाई हो, एन इज इक्वल टू वन टू, एन बिलोंग्स टू इंटीजर ना, जीरो पाई, टू पाई, माइनस टू पाई, माइनस वन पाई है ना। तो यहां से अपने पास आया, जब आपका एक्स का वैल्यू एन पाई होगा तब साइन एक्स जीरो हो जाएगा, तो साइन एक्स माइनस वन जीरो हो जाएगा। अरे यार ये गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे वन आना चाहिए ना, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं। साइन एक्स वन कब होता है? अच्छा, जनरल सॉल्यूशन आना चाहिए आपको। साइन एक्स वन कब कब होता है? साइन एक्स वन सिर्फ ये जीरो है, यहाँ पे भी साइन जीरो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे वन होता है और यहाँ पे माइनस वन होता है। तो आप क्या बोलेंगे, इवन पाई प्लस पाई बाई टू, ये इवन पाई है ना, इवन पाई प्लस पाई बाई टू, खत्म, वहां पे वन होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू इवन पाई, इवन पाई मतलब टू इन पाई प्लस पाई बाई टू। ठीक है, एन की जगह जीरो रखो पाई बाई टू, वन रखो टू पाई प्लस पाई बाई टू मतलब फाइव पाई बाई टू, टू रखो फोर पाई, फोर पाई प्लस पाई बाई टू मतलब नाइन पाई बाई टू, ऐसे। अच्छा, साइन एक्स लेस देन वन, साइन एक्स माइनस वन लेस देन जीरो होगा, मतलब साइन एक्स वन से छोटा। और साइन एक्स वन से छोटा हमेशा होता है क्या? किन एक्स के लिए होता है? मेरे ख्याल से दुनिया के सारे एक्स के लिए साइन एक्स वन से छोटा होता ही होता है, क्योंकि साइन एक्स की औकात ही माइनस वन से वन है ना, साइन एक्स की औकात ही माइनस वन से वन है। तो मतलब वन से तो छोटा हो गई होगा ना, आप कुछ भी दुनिया का कोई भी एक्सेप्ट दो तो वन से छोटा आएगा ही आएगा। सर साइन एक्स माइनस वन में जब हम साइन एक्स वन देखेंगे तो माइनस टू टू जीरो होता है। बिल्कुल डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ है ना, कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर, बट उसमें आप ग्राफ नहीं बना पाओगे एग्जैक्ट। यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा, हालांकि ग्राफ अपने को बनाने को बोला नहीं है उसने, बट क्वेश्चन मैं आपको एकदम फिनिश करवाना चाह रहा हूँ। सही कह रहे हो आप है ना, आपकी बात मैं समझ गया हूँ, मैं वो भी समझा दूंगा अभी। तो देखिए क्या है कि इसको डिफाइन, अरे यार रुको, सिग्नम ऑफ साइन एक्स माइनस वन ये वन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, वन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वन होने के लिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए था और पॉजिटिव कभी भी नहीं हो रहा है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू नल सेट। ये जीरो हो सकता है कि हाँ, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू, और ये वन से छोटा मतलब नेगेटिव। अरे साइन एक्स माइनस वन नेगेटिव कब होगा? सारे x के लिए। अच्छा, ऑल रियल नंबर माइनस, ऑब्वियसली ये वाला पाई बाई टू भी तो जीरो हो जाता है ना, तो वो हटाना पड़ेगा 2n पाई प्लस पाई बाई टू। लेस देन वन तो है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए ना, जीरो हो गया तो सिग्नम जीरो हो जाएगा। x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर माइनस ऊपर वाला 2n पाई प्लस पाई बाई टू, मतलब इवन पाई प्लस पाई बाई टू पर ये जीरो हो जाएगा, बाकी हर जगह पर ये माइनस वन आंसर देगा है ना। देखो भाई, साइन एक्स माइनस वन नेगेटिव हो रहा है मतलब सिग्नम का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो रहा है,
सिग्नम का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो रहा है, मतलब सिग्नम ऑफ नेगेटिव नंबर माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस वन आ जाएगा। और निखिल जो चीज अभी लिखा है, जस्ट आपका जो मैसेज आया ना, हाँ बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो आपका ग्राफ तैयार है अपन, ग्राफ अपन बना सकते हैं। ग्राफ तो खैर आपको मेंटली फील करना है, लेकिन मैं आपको फिर भी बना के बता देता हूँ। x और y, तो ऑल रियल नंबर पर ये क्या आएगा, माइनस वन। तो माइनस वन क्या होती है, y इक्वल टू माइनस वन लाइन, अपने को पता ही है y इक्वल टू माइनस वन लाइन ये वाली होती है, ये आपकी लाइन हमेशा आएगी। बट ऑड पाई पे, मतलब पाई बाय टू के मल्टीपल्स पे, n की जगह जीरो रखो, तो जीरो प्लस पाई बाय टू इज पाई बाय टू, एग्जैक्ट पाई बाय टू पर आंसर जीरो आएगा, तो यहाँ पे खाली आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे फिर से वन रखो, तो टू पाई प्लस पाई बाई टू कितना आ जाएगा, फाइव पाई बाई टू, तो एग्जैक्ट फाइव पाई बाई टू पे। एग्जैक्ट फाइव पाई बाई टू पे आंसर कितना आ जाएगा, फिर से माइनस वन जीरो आ जाएगा, है ना। और अगला समझ गए ना, नाइन पाई बाई टू, अरे यार कॉमन सेंस, ये वन के बाद सीधे फाइव आया, तो चार का डिफरेंस है, तो अगला चार का डिफरेंस पे आएगा, नाइन पाई बाई टू पे कितना आएगा, हॉलो आ जाएगा, और वहाँ पे एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो माइनस पाई बाई टू पर भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। माइनस फाइव पाई बाई टू पर आपका आंसर फिर से माइनस वन आ जाएगा। ओके, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अभी इसको अपन ऐसे ही बिना ग्राफ के बता सकते थे, बहुत इजी है। सिग्नम ऑफ क्या लिखा है, सिग्नम ऑफ साइन एक्स माइनस वन। सिग्नम के सामने क्या है, आइटम। आइटम की रेंज क्या है देखते हैं, साइन एक्स की रेंज है माइनस वन से वन, है ना, और माइनस वन है, तो माइनस वन माइनस वन माइनस टू, और वन प्लस वन जीरो। तो जो सिग्नम के सामने वाला आइटम है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है, बाकी टाइम नेगेटिव होगा। तो सिग्नम ऑफ समथिंग, सिग्नम ऑफ अ क्वांटिटी विच इज लाइंग बिटवीन माइनस टू टू जीरो, ठीक है, तो या तो ये माइनस वन होगा या तो ये जीरो होगा। अब अपन बता सकते हैं जीरो कब होगा, ये फॉर एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू, ये तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री के नॉलेज से पता है कि जब साइन एक्स वन हो जाए तब ये चीज एक्स क्या होगी, ये होगी, अदरवाइज माइनस वन आंसर आएगा। तो वही ऊपर अपने ग्राफ बना दिया सेम, तो ये भी शॉर्टेस्ट तरीका है, अच्छा तरीका है, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया है ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे, बट अगर आप फास्ट फॉरवर्ड सोच पाते हो तो दिस तरीका इज ऑल्सो गुड। ठीक है, इसको अपन मेथड टू कह सकते हैं, वही मेथड है ऑल इन ऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मेल करके भेजना है अलॉन्ग विथ टुडेज होमवर्क। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस ए इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, फाइंड रेंज ऑफ ए ठीक है। अब आपको अपने आप से कसम खानी है कि सारे होमवर्क करने हैं आपको डेली कंटिन्यूटी के, पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को भूल जाओ, जस्ट प्रेजेंट में आपको मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ आपको वो सॉल्व करना है, चलेगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं करा ही देता हूँ, दो मिनट है आपके पास। तो इस कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो फाइंड रेंज ऑफ ए, अगर कंटिन्यूस है तो सिग्नम के सामने क्या है, साइन एक्स प्लस ए, है ना। तो साइन एक्स प्लस ए अगर पॉजिटिव हो गया तो सिग्नम क्या दे देगा आंसर, माइनस वन, सॉरी प्लस वन। जीरो हो गया अगर ये वाला आइटम तो सिग्नम आंसर दे देगा जीरो, और माइनस वन हो गया ये वाला आइटम तो सिग्नम माइनस वन दे देगा, तो आंसर आपका टूट फूट जाएगा ना, कभी कभी वन, कभी कभी जीरो, कभी कभी माइनस वन, तो अपने को ग्राफ टूट फूट जाएगा। तो अपने को ग्राफ को टूटने फूटने से बचाना है, ग्राफ को टूटने फूटने से बचाना है मतलब ये वाली चीज़ या तो हमेशा पॉजिटिव, जिंदगी भर के लिए पॉजिटिव हो, या जिंदगी भर के लिए नेगेटिव हो, या हमेशा जीरो हो, ऐसे सोच सकते हैं।
ठीक है, मतलब फंक्शन, दिस फंक्शन कैन बी कंटिन्यूस ओनली एंड ओनली इफ सिग्नम का आर्ग्यूमेंट हमेशा सेम साइन दे, या तो हमेशा पॉजिटिव हो, या तो हमेशा नेगेटिव हो, या तो हमेशा जीरो हो, मतलब मैंने जो भी बोला। समझ में आ गया, फंडा समझ में आया, लॉजिक समझ में आया आपको, लिखवा दूं मैं आपको, चलो हिंदी में लिखवा देता हूँ, इंग्लिश में लिखवा देता हूँ। एफ एक्स कैन बी कंटिन्यूस ओनली इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ सिग्नम आर्ग्यूमेंट ऑफ सिग्नम कैरीज अ कॉन्स्टेंट साइन, अ कॉन्स्टेंट साइन थ्रू आउट एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो आपको तीनों चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी ना। तो आपको क्या देखना है, ये आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि साइन एक्स प्लस ए हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव हो, ये सॉल्व कर लो, तो ये अपने लिए आंसर है। दिस इज आंसर, केस वन इज एन आंसर। ओके, और केस टू इज ऑल्सो आंसर। या ये भी हो सकता है कि सिग्नम का जो आर्ग्यूमेंट है साइन एक्स प्लस ए या हमेशा जीरो हो, या केस थ्री, तीनों केस से आंसर मिलेंगे ना भाई। केस थ्री से भी आंसर मिलेगा कि सिग्नम का आर्ग्यूमेंट जो हो वो हमेशा नेगेटिव हो। तो केस वन इज एन आंसर, केस टू इज एन आंसर, केस थ्री इज एन आंसर। ठीक है, तो तीनों में और लगाया बेटा, तो क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे, है ना। तो तीनों के आंसर से यूनियन करना, ये आप खुद से सॉल्व करें, कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेक्चर में अभी अपलोड पे लगा देता हूँ ताकि आपको मिल जाए टाइम पे। ओके ठीक है, होमवर्क आपका आज की, आज सॉल्व करना है, टाइम लगाना है आपको, होमवर्क कम देता हूं मैं, है ना। कभी भी मैंने आपको ऐसे नहीं बोला कि 1 टू 80 क्वेश्चन कर लो या 1 टू 50 कर लो, इतना तक नहीं बोला है मैंने आपको, हमेशा 1 टू 10 दिया है, क्योंकि अपना डोज ही ऐसा है। मॉड्यूल के लेवल 1 के आप क्या करेंगे, 1 टू 10 करेंगे। कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि सारे लिमिट के क्वेश्चन होंगे। टेक योर टाइम, आराम आराम से सॉल्व करें, कंटिन्यूटी शायद 11th के मॉड्यूल में होगा, हो सकता है। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय एवरीवन, टाटा।